शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा भाजपा उम्मीदवार राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के समर्थन में सतनवाड़ा के मैट कॉलेज में सोमवार को आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के जेब में नारियल लेकर चलने वाले बयान पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि हे कमलनाथ, जेब में नारियल नहीं तो क्या दारू की बोतल लेकर चलूं? हम तो नारियल भगवान को चढ़ाते हैं और मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है, उनकी सेवा ही भगवान की पूजा है। जनता कहती है कि हमारा ये काम कर दो तो हम कर देते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि नारियल चढ़ा दो तो हम चढ़ा देते हैं। इससे कमलनाथ के पेट में दर्द होता है। अब नारियल लेकर ना चलूं तो क्या दारू की बोतल लेकर चलूं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने अपनी जनता को घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया है, तो कमलनाथ दिग्विजय सिंह से कह रहे हैं कि उन्होंने तो घुटने टेक दिए। कांग्रेस तो अहंकार में चूर होकर जनता को पैरों के नीचे कुचलती जा रही है। सुन लो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, तुमने जनता के पैरों के नीचे कुचला होगा। शिवराज सिंह चौहान जनता को माथे का ताज बनाकर जनता को ऊपर बैठाएगा। कांग्रेस के कभी भी विकास के काम नहीं किए, विकास के जितने भी काम हुए भारतीय जनता पार्टी ने किए। मेरे लिए तो जनता भगवान है, मेरे माथे का ताज है। घुटना टेक कर हाथ जोड़कर अपनी जनता की सेवा करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। अब ये कांग्रेस वाले तो जनता को पैरों के तले कुचलते रहे हैं। कोई इस जनता के सामने झुकता है तो इनका इनको अच्छा नहीं लगता। और ये कहते हैं शिवराज सिंह को लेट जाते गल्लो दिग्गी राजा और कमलनाथ, तुमने जनता को पांव के नीचे कुचला होगा। शिवराज सिंह चौहान माथे का ताज बना के जनता को ऊपर बिठाएगा और इनके कल्याण में काम करेगा। फिर एक दिन कहना कि शिवराज सिंह तो नारियल ले घूम गए, अरे तुमने कभी विकास का काम किया? इनने कहा डैम बनाओ, हमने केवल नारियल नहीं फोड़ा, मशीन चल रही है बांध का निर्माण का काम शुरू करा दिया। पोहरियो बेराड़ो ये बैठे प्रसाद भारती जी, नरेंद्र मिथरे जी, ये अशोक बंद कर दो। इस समय केवल शिवराज सिंह चौहान बोलने का प्रणाय मोबाइल से भी बात करते रहे, वो ध्यान बढ़ जाता है। बैठ जाओ जरा मेरी जगह बैठ जाओ, विकास का जितने काम हुए केवल भारतीय जनता पार्टी ने किए। अब हम विकास के काम फिक्र करते हैं, नारियल फोड़ते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। कहते हैं शिवराज सिंह चौहान को नारियल लेके चलता है ये उद्योगपति कमलनाथ, मैं नारियल लेके नहीं चलूं तो क्या दारू की बोतल लेके चलूंगे? क्या शैंपेन की बोतल लेके? ये तुम्हारे स्वभाव संस्कार, मेरे नारियल तो भगवान को चढ़ता है, नारियल मंगल कामों में उपयोग आता है, इस पर भी उनको तकलीफ है। और आज कांग्रेस के नेता बोले कि शिवराज सिंह कमलनाथ तो उद्योगपति है, देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति, और शिवराज सिंह चौहान तो नंगा भूखा है। मैंने कमलनाथ जी, हाँ हम नंगे भूखे हैं, अरे मैं नंगा भूखा हूं इसलिए मेरी सहेलियां बहनों के खाते में मैंने 1,000 रुपया डलवाना शुरू किया, और तुम मुख्यमंत्री बने तो तुमने सहेलियां बहनों के खाते में वो रुपया डलवाने बंद कर दिया। अब ये कांग्रेस वाले तो जनता को पैरों के तले कुचलते रहे हैं। कोई इस जनता के सामने झुकता है तो इनका इनको अच्छा नहीं लगता। और ये कहते हैं शिवराज सिंह को लेट जाते गल्लो दिग्गी राजा और कमलनाथ, तुमने जनता को पांव के नीचे कुचला होगा। शिवराज सिंह चौहान माथे का ताज बना के जनता को ऊपर बिठाएगा और इनके कल्याण में काम करेगा। विकास के जितने काम हुए केवल भारतीय जनता पार्टी ने किए। अब हम विकास के काम फिक्र करते हैं, नारियल फोड़ते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। कहते शिवराज सिंह चौहान को नारियल लेके चलता है ये उद्योगपति कमलनाथ, मैं नारियल लेके नहीं चलूं तो क्या दारू की बोतल लेके चलूंगे? क्या शैंपेन की बोतल लेके? ये तुम्हारे स्वभाव संस्कार, लेकिन नारियल तो भगवान को चढ़ता है, नारियल मंगल कामों में उपयोग आता है, इस पर भी उनको